अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। आज है जी ईद का तीसरा दिन और हमने चाचू वगैरह की दावत की हुई है, वो निकल चुके हैं। हम अब इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं और अंदर फुल हलचल मची हुई है। खाने शाने बन रहे हैं, वीआईपी किस्म के काफ़ी सारी डिशेज हैं, तो आते हैं तो उनसे भी मिलते हैं और बाकी देखते हैं अंदर क्या क्या बन रहा है। कुछ वजूहत की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सका मेहमानों वगैरह का, खाने वगैरह का, तो आगे नेक्स्ट। दावत में हलवा पूरी बनाई हुई थी, उसके साथ सारे लवाजमात, हलवा, अचार, चने वगैरह, ये हमने घर में ही बनाया था सब कुछ। फिर जी रात का प्लान बन गया हमारा कैप्टन कुक जाने का। वो बड़ा ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे शवारमा पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है, वहाँ पे जाके हमने जी शवारमा ऑर्डर किया। जी सुबह हो चुकी है और आज है जी आखिरी दिन छुट्टी का। कल से ऑफिस शुरू, बड़ी इंजॉय मार लिया, बड़े मजे कर लिए। देखे भाई अपनी मजदूरियों पे आ गए हैं वापस। ये टीएमए से हमने बंदे बुलवाए हैं, देख दो ये चेक करे कितनी सफाई सुथराई का काम इनका शुरू हो गया। आज से मजदूरी शुरू हो गई इनकी, अब देखे कल से क्या सीन होगा। कल इनको दे दें कहीं और सफाई करने के लिए ठेका। भूख बड़ी लग रही थी तो मैं कहा ये टीएमए से बंदे बुलवाए हुए इनके लिए थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम कर ले, तो ये इनके लिए ज़रा हमने खाने पीने का इंतजाम किया। लो यार ये खाओ पियो ईदी की खुशी में, ये भाई को भी खिला दो, ये बड़े वो लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। इनको पता नहीं ईद पे किसी ने कुछ खाने के लिए दिया नहीं दिया नहीं। जल्दी जल्दी काम कर यार, जल्दी कर, जल्दी जल्दी यार, पैसे दिए भाई फ्री में नहीं करा रहे। मुझे एक बिजनेस आइडिया आ गया, मैं स्ट्रॉबेरी का रेट नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं स्ट्रॉबेरियां उठाते हैं सस्ती में, जब महंगी हो जाएगी ना फिर इनको बेच देंगे। पैसा ही पैसा होगा। ये भैया आपका जोन था, पूरा जोन था, ये पूरी रेडी का सौदा करके ले आया यहाँ पे। अभी ये जैसी थोड़ी महंगे इनका रेट ऊपर जाएगा आपका भी निकाल देगा। करने का था नहीं तो मैं खाने पीने का सिस्टम ही चला लें। ये समोसियाँ समोसियाँ, ये पता नहीं कबाब कबूब है, कचौरियाँ शचौरियाँ बनी हैं, और अभी वो रोल वगैरह भी पाई टी एम ए वगैरह को वालों को दिए हैं, तो आज खाने पीने का सिस्टम ही चल रहा है सारा दिन। भाई ईद का तीसरा दिन गुजर चुका है, अगले दिन हमने भाई साहब निकलवाई है नई गाड़ी। ओह माय गॉड, वाओ। ले जी एक तो ये गाड़ी आपके भाई के पास, एक हमने ली है जी ये न्यू, आपको कपड़ा उठा के बाद में दिखाएंगे। ये जी बस आप कपड़ा उतारेंगे यार, चेक करवाओ उतार के जरा कैसी लग रही है। ये साइड साइड जी इस तरफ से उतारिए, क्या हा हा क्या बात है, कैसी जबरदस्त लग रही है। मॉडिफाइड गाड़ी है, टायर शायर मॉडिफाइड हुए हैं, ये पीछे डिग्गी चेक करा, रिम चेक करवा रहे, रिम चेक करवा, ये डिग्गी भी है, गाड़ी की लुक चेक करे, रिम चेक करवा रहे, मॉडिफाइड ये देखो डिग्गी भी है, डिग्गी भी है गाड़ी की, गाड़ी की डिग्गी शिग्गी भी है, रिम चेक करो, रिम चेक करे, मॉडिफाइड रिम है, 16 इंच के है, 16 इंच के रिम भी डले हुए और हर तरह से ओके जेन्युइन गाड़ी है, वीआईपी भी है, हॉर्न वगैरह भी फिट है। मजा आला गाड़ी चला के, मजा आला, मजा आला है, मजा आला गाड़ी चला के, बहुत मजा आला है। आज मैंने घर वालों को अपनी तरफ से दावत दी है, सारे घर वालों की मेरी तरफ से दावत है आज, तो दावत का इंतजाम करेगा आपका भाई, चावल चावल और स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का जूस ये वो और काफ़ी चीज़ें, फुल मॉल होगा। ये भाई कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, ये चेक करे जरा, कूड़ा कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, बाहर से बंदे बुलवाए थे हमने, वो भाई बैठा, वो टीएमए का सदर है, ये भाई टीएमए का सदर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये कारकुन है भाई का, भाई की इसमें इसमें क्या कहते हैं उसे, तो भाई की यार क्या कहते हैं, मैं ये भाई के अंडर काम, ये टीएमए का सदर है, ये इसके अंडर काम करता है। ये भाई कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, प्रोफेशनल कूड़ा फेंकने वाले, बाइक पर जा रहे हैं, ये बाइक पर जाते हैं, प्रोफेशनल कूड़ा फेंकने वाले हैं, ये आजकल के मॉडर्न कूड़ा फेंकने वाले भाई साहब इस तरह के ही हैं। भाई कूड़ा पकड़ाओ और चल।